दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग बुध के बारे में बात करेंगे, मरकरी के रिगार्डिंग बात करेंगे। हमने मरकरी के फर्स्ट हाउस में क्या इफेक्ट्स होते हैं, 12 राशियों में क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में बात कर ली है। अब हम जो बात करेंगे वो बोलेंगे मरकरी क्या है और क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके, मरकरी के बारे में बात करेंगे। मतलब वो ऐसा प्लैनेट क्या इफेक्ट्स देते हैं, महादशा, अंतरदशा या ओवरऑल मरकरी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आपको कुछ हद तक तो मरकरी के बारे में पता होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको ये हो सकता है वीडियो मदद करे, और अगर आप जानते हैं तो भी शायद आपको कुछ चीज़ों में मैं शायद मदद कर पाऊँ। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों का थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं। तो मरकरी अगर आपके महादशा में हो या अंतरदशा में हो तो क्या रिजल्ट देते हैं। मरकरी एज अ पॉजिटिव प्लैनेट है, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। यूथफुल प्लैनेट है, यूथफुल रिजल्ट देते हैं। उसका मतलब ये है, पहली पॉइंट है, हम सीक्वेंस में बात करते हैं। यूथफुल है, सबको पता है जी कि युवराज की तरह ट्रीट किया जाता है, यूथफुल है तो मरकरी यूथफुल रिजल्ट देते हैं। पहले उसकी बात कर लेते हैं। यूथफुल मतलब एक यूथ या एक प्रिंस क्या होता है, थोड़ा सा रेस्टलेस होता है। मरकरी फास्ट रिजल्ट देने की बात करते हैं। मरकरी आपकी महादशा में हो तो फास्ट रिजल्ट देते हैं क्योंकि रेस्टलेस प्लैनेट है, क्योंकि यूथ रेस्टलेस होता है, वो बेचैन रहता है। तो मरकरी भी एज एन प्लैनेट है तो यहाँ पे थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है, थोड़ा सा बेचैन हो जाता है मरकरी की महादशा या अंतरदशा में, लेकिन वो रिजल्ट बहुत जल्दी देते हैं। हो सकता है कि आप पॉजिटिव हो तो आपकी जितनी बेचैनी उनको ख़त्म कर रहे हो। दूसरा, मरकरी शनि के बाद आते हैं। शनि स्लो प्लैनेट है, स्लो इफेक्ट्स देते हैं, लेकिन मरकरी आते ही वो चीज़ें बदल जाती हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें बदलने लगती हैं। नॉलेज भी है, बहुत जल्दी मिलता है। तो मरकरी एज एन यूथफुल प्लैनेट आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, फास्ट फास्ट रिजल्ट देते हैं, और फास्ट फास्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट देते हैं। दूसरा, यूथ क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है चीज़ों के साथ जल्दी जल्दी, वो अपनी मेंटेलिटी स्टेबल नहीं कर पाता है इतनी जल्दी। वो डिसाइसिव होता तो है लेकिन वो इन्फ्लुएंस होकर डिसाइसिव होता है बिकॉज वो अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज का जो पिटारा है या नॉलेज जो है उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं आई है, वो अभी लर्निंग प्रोसेस पे है। इसलिए मरकरी भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, साथ में जो भी प्लैनेट बैठे हों चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे मरकरी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। जस्ट लाइक अ यूथ, जो आपके साथ में बैठे होते हैं उन्हीं की बातों में आप ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, उसी बारे में बात करते हैं। जब लाइफ एक्सपीरियंस देता है तब आप सीखते हैं गलत सही क्या है, और वो लॉन्ग टर्म होता है। मरकरी इसको सिखाने के प्रोसेस में डालते हैं, लेकिन एज एन रिजल्ट मरकरी के जो भी अफेक्टेड लोग होते हैं या जिनके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट है वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं दूसरी चीज़ों से, दूसरे प्लैनेट से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उनके साथ कंजंक्शन में बैठे हैं। मरकरी यूथ जो होता है सबको अच्छा लगता है, यूथ सबके साथ बात कर लेता है, तो मरकरी की भी सबके साथ अच्छी बन जाती है, अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, तो मरकरी किसी भी प्लैनेट के साथ बैठा हो मोस्टली सबके साथ उसकी बन जाती है, कुछ प्लैनेट्स के साथ उसकी नहीं बनती, जिनके साथ नहीं भी बनती वो भी बना लेता है, उतना इफेक्ट खराब नहीं देता, उनके साथ बिहेवियर उनके जैसा हो जाता है तो वो इफेक्ट नहीं होता। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, मरकरी कम्युनिकेशन का मालिक है। आपकी जो बात है, क्योंकि तीसरा घर अगर देखें तो कम्युनिकेशन का घर है, जेमिनी का मालिक है, तो जेमिनी का मालिक होके कम्युनिकेशन का मालिक है। छठे घर का मालिक है, छठे घर का मालिक मतलब लिटिगेशन का या लड़ाई झगड़ा का या डेप्थ जो आपके विरोधी हैं उनके से ऊपर विजय का, कम्युनिकेशन के थ्रू विजय का मालिक मरकरी है। तो आप अगर छठे घर का देखा डिजीजेस का घर का मालिक मरकरी है, तो कई कई लोगों की बातें सुन के या कुछ ऐसी चीज़ें उनकी बिहेवियर देख के आपकी यूथ ने आपको अच्छा लगने लगेगा। तो मरकरी अगर आपका पॉजिटिव है तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी थिंकिंग पावर बहुत फास्ट होगी, आपके पास नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारा दिमाग है, आप अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। मरकरी नॉलेज अच्छा देता है, अगर आप लर्निंग दिमाग अच्छा देता है, अगर आप गुरु अच्छा है या नॉलेज आप गेन करना चाहे चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो पर्सन रिसीव कर लेता है और बहुत अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि बैलेंसिंग एक्ट बहुत अच्छा है। तीसरे घर का मालिक है मरकरी, बैलेंसिंग एक्ट में बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन में अच्छा है, क्योंकि बुद्धि का मालिक भी मरकरी, मन का नहीं है, मन का चंद्रमा है, दिमाग का, बुद्धि का मालिक मरकरी है।
नॉलेज का मालिक गुरु है। जिस दिमाग में भरना क्या है, अच्छा भरना है तो गुरु, अगर कुछ उलझुल भरना है तो दो ही और कोई प्लैनेट। लेकिन गुरु नॉलेज के मालिक हैं, बुद्धि के मालिक हैं, दिमाग के मालिक बुद्धि, सोच के विचार का अच्छा करने का मालिक गुरु हैं, लेकिन असली दिमाग के मालिक, कैलकुलेशन के मालिक मरकरी को मानता हूं मैं। तो बुद्धि मरकरी देता है, कम्युनिकेशन मरकरी देता है, यूथनेस मरकरी देता है। अब ये तीन चार चीज, तीन चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। मरकरी 31वां साल कंप्लीट करके अगर आप 32 में पढ़ रहे हैं, अगर आपका पॉजिटिव मरकरी तो अच्छा रिजल्ट देगा, दशा महादशा में भी अच्छा रिजल्ट देगा अगर पॉजिटिव है तो। कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हो तो उसके साथ इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट होगा वो टेढ़ा होगा या सीधा होगा, वो जिस प्लैनेट के साथ बैठा हो वैसा रिजल्ट देगा। हालांकि ज़्यादा दुश्मनी किसी भी प्लैनेट का मरकरी की है नहीं। अब बात बची तीसरी, तीसरी मतलब मरकरी का तत्व। मरकरी लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट में भी नहीं है, एयर स्टेट में भी नहीं है, लिक्विड स्टेट में है। मरकरी लिक्विड है तो वो फ्लो करता है ऐसे 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 ऐसे, वो कहीं भी मूव कर सकता है, जहाँ स्पेस में लिए वहाँ मूव कर सकता है। इसी कारणवश मरकरी के जो अफेक्टेड पर्सन है उनकी लाइफ में फ्लो बनी रहती है, पॉजिटिविटी की भी नेगेटिविटी की वो बनी रहेगी, क्योंकि मरकरी की महादशा अंतरदशा में मरकरी फ्लो, अगर आपका मरकरी अच्छा है तो पॉजिटिविटी अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन की फ्लो बनी रहेगी, पैसे का फ्लो बना रहेगा, फिक्स एसेट से ज़्यादा कैश एसेट रहेगा क्योंकि फ्लो है। ठीक है, आपका मन करेगा नई नई चीज़ें लेने की, क्योंकि यूथफुल प्लैनेट है, आपको आप यूथ की चीज़ें ज़्यादा लेंगे, कपड़े, पैसा, कपड़े, ज्वेलरी, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट फोन, स्मार्ट या क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप कुछ भी ले लीजिए, जो भी आजकल स्मार्ट हर चीज़ में जुड़ जाता है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट ये, स्मार्ट वो, जूते, कपड़े, बिकॉज यू वांट टू फील यंग, यू वांट टू फील एक्साइटेड, तो वो चीज़ करता है, कैश फ्लो देता है मरकरी, अच्छा कैश फ्लो देता है। और इन सब चीज़ों से मरकरी, अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा है आप चीज़ें खरीदेंगे और आपका कन्वीनियंस भी अच्छा करेगा। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि से काम करेंगे, अगर गुरु से आपका इफेक्ट अच्छा है तो आप हो सकता है उसकी नॉलेज, वो अपने नॉलेज में लें और उस पैसे को आप अच्छी जगह लगाएं, अच्छा पद, हालांकि आप अपनी कन्वीनियंस में लगा रहे हैं वो भी अलग पॉइंट है, वो भी अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन आप उसमें लिमिट करें और हो सकता है आप अपने फ्यूचर को लेके भी डील करने लगे। अगर कोई अच्छे प्लैनेट साथ में बैठे हो, शनि बैठे हो तो आपको प्रॉपर्टी वगैरह में अच्छा रिजल्ट दे देंगे, गुरु बैठे हो तो भी फिक्स एसेट में अच्छा रिजल्ट दे देंगे, तो यहाँ पे मरकरी के साथ कोई भी प्लैनेट बैठे वो अपने अपने रिजल्ट देगा। महादशा अंतरदशा में जैसे मैंने बोला मरकरी लिक्विड है, तो महादशा अंतरदशा में मरकरी कैश फ्लो का अच्छा रिजल्ट बना देता है, अगर अच्छे सिचुएशन में बैठा हो तो पैसा अच्छा कर देता, अगर खराब सिचुएशन हो तो पैसे की कमी भी कर सकता है, लेकिन वो रेयरली सिचुएशन में होते हैं। मरकरी मोस्टली अच्छा पैसा दिला देता है, वो गलत जगह लग जाए, गलत प्लैनेट्स के कांटेक्ट में रह के या वेस्ट हो जाए वो अलग पॉइंट है, लेकिन मरकरी आपकी जीवन में महादशा अंतरदशा में या जब जब मरकरी आएगा तब तक आपकी ज़िंदगी में अच्छा कैश फ्लो दे देगा। तो ये सब चीज़ें मरकरी करता है। मरकरी के दो लगन हैं, जेमिनी और वर्गो। मैं इन दोनों लगन के लोगों को सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा, जो कि आप लोग कैलकुलेटिव बहुत अच्छे, मरकरी मैथ्स में बहुत अच्छा कर देता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर देता है, और जिनकी महादशा अंतरदशा में भी चल रही है उनकी भी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, वो स्मार्ट होते हैं, शेयर मार्केट बिजनेस में बहुत अच्छा चल सकते हैं, कैलकुलेशन में बहुत अच्छा काम है, गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत अच्छा पोस्ट में ले सकते हैं, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर, मास कम्युनिकेशन, नेता, क्रिकेटर, जो भी कोई खेल, क्रिकेटर मतलब खेलने की बात नहीं, लीडरशिप में अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप लीडरशिप में अच्छे हैं, या आपके साथ बात करने में लोग अच्छा पसंद करेंगे, तो किसी भी चीज़ में कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो मरकरी यूट्यूब से लेके अगर आप मास कम्युनिकेशन में हैं वहाँ पे भी मरकरी अच्छा रिजल्ट देता है। तो जो लोग जेमिनी और वर्गो लगन के हैं उनके लिए ये सब फील्ड भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जेमिनी और वर्गो लगन को मैं एडवाइस दूंगा। हार्ट कोर दिल होना एक कॉन्सिक्वेंसेस देता है, हो सकता है आप लिमिटेड लोगों के लिए अच्छे हैं और लिमिटेड लोगों के लिए आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनसे जब डिसअपॉइंटमेंट मिलती है या चीज़ों से आजू बाजू से डिसअपॉइंटमेंट दिखती है तो आप थोड़ा सा स्टबन हो जाते हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ वर्गो लगन वालों को, जिनकी जो स्टबन होते हैं, जेमिनी वाले थोड़े इतनी जल्दी स्टबन नहीं होते, वो डुअल होते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन उनको भी और वर्गो लगन वालों को भी, आप थोड़े से स्टबन ना रहें, थोड़े से आप केयर फ्री मत होइए, केयर फ्री मतलब भाड़ में जाओ वाला एटीट्यूड मत रखिए, हो सकता है जो चीज़ आपको नेगेटिव दिख रही हो वो फ्यूचर में पॉजिटिव हो जाए, तो इसलिए आप उस चीज़ को लॉस कर जाए, बिकॉज आपके पास दिमाग बहुत है,
बट नॉलेज की थोड़ी सी कमी है, बिकॉज जो अगर गुरु अच्छा हुआ तो नॉलेज भी मिलेगा, लेकिन नॉलेज एज के साथ आता है। गुरु स्लो मूविंग प्लैनेट है, शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, एज के साथ आएगा ना, तो चाहे खराब हो या अच्छा हो, शनि हो सकता है टेढ़े तरीके से सिखाए, गुरु सीधे तरीके से सिखाए, राहु कोई और तरीके से सिखाए, लेकिन वो एज के साथ आएगा। तो थोड़ा सा जब तक आप मैच्योरिटी पे नहीं आते हैं, थोड़ा सा अपने आप को पोलाइटनेस पे लाइए। आप पोलाइट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन केयरफ्री एटीट्यूड से थोड़ा सा बच के चलिएगा। 32वां साल आपका अच्छा रहता है, 31 से 32 में जो भी लोग मरकरी की अंतर्दशा या जिनके एक्सपेक्ट होता है या महादशा में चल रहे हैं या जिनका लग्न है, तो उनके लिए 31 से 32वां साल अच्छा रहेगा। तो ये था मेरा रिजल्ट, मेरे विचार मरकरी के रिगार्डिंग। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। धन्यवाद।